देश को बेचने का प्रकरण है। हिमाचल को बेचा जा रहा है, हिमाचल को लूटा जा रहा है और जयराम सरकार उसमें शामिल है। अभी एडीबी से लोन लेके लगभग 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई गई और ये चार प्रॉपर्टियां जो है एक मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और ये जंजाली में टूरिस्ट कल्चर सेंटर बना 27 करोड़ रुपए का और इसके बाद मंडी में एक सेंटर बना 42 करोड़ रुपए का। एक जो है बड़ा ग्राम मनाली में सेंटर बना 47 करोड़ रुपए का। एक जो है क्यारी घाट आप जगह देख सकते हैं कन्वेंशन सेंटर 37 करोड़ रुपए का। ये चार प्रॉपर्टियां लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास कर्जे लिए गए, कर्जे लेके प्रॉपर्टियां खड़ी करके इसको प्राइवेट हाथों में लुटा दिया गया। आप देखें कि मंडी की प्रॉपर्टी जो है मंडी में धांधली देखो, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां दो प्रॉपर्टियां बनी। जो 45 करोड़ की प्रॉपर्टी है मंडी की, उसको इन्होंने सिर्फ 25 लाख रुपए में जो है एनुअल प्राइवेट पार्टी को दे दिया और ये 10 साल के लिए। और उसके बाद जंजाली की प्रॉपर्टी 27 करोड़ रुपए की, ये 17 लाख रुपए में जो है 15 साल के लिए दे दी गई। तो आप देखें कि ये प्रॉपर्टियां जो है अरबों की प्रॉपर्टियां अपने चहेतों को औने पौने दाम पे किस ढंग से लुटाई जा रही हैं। और ये पहले भी यहाँ पे ये होटल बेच रहे थे, तब भी यहाँ विधानसभा में मसला उठा था जब ये सारे होटल बेच रहे थे और उसके बाद होटलों को बेचने का प्रकरण रुका। इन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की, आज दिन तक उस इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद अब अंदर खाते हशहश मैनर में प्रॉपर्टियां तैयार की, एडीबी का कर्जा खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश पे और इन्होंने 10 साल के लिए 15 साल के लिए 10-15 साल के बाद तो प्रॉपर्टी ये बिकी गई, 15 साल के लिए बाहर चली गई और उसमें सरकार ने क्या कमाया? 200 करोड़ रुपए लगा के अगर सरकार को 50 लाख रुपए मिल रहा है एनुअली, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चोर बाजारी, कितनी लूट है। इंटरेस्ट भी पूरा नहीं होगा उससे। और ये जो है कौन लोग हैं जिनको ये प्रॉपर्टियां लुटाई जा रही हैं? और सरकार ने फैसला कैसे कर दिया कि 40-40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बना के अभी बन के तैयार हुई हैं? मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिला की तो दोनों दे दी। इस ढंग से ये किया जाता है। टूरिज्म क्या जो है, हिमाचल टूरिज्म स्टेट है, पहले आप हिमाचल टूरिज्म के होटल बेच रहे थे, अब आप नई प्रॉपर्टियां के उसके ऊपर बनी है। इसका जो रेंटल है 17 लाख रुपए साल का। आप इसको कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट वैल्यू के ऊपर, ये तकरीबन 0.75% के आसपास बनता है। थंब रूल के हिसाब से अगर आप देखें, कोई भी प्राइवेट पार्टी अगर इन्वेस्ट करती है, आप धर्मशाला के होटल्स देख लीजिए लीज वाले, कम से कम 3 से 3.5% जो है वो प्रॉपर्टी वैल्यू का लीज रेंटल मिलता है। तो अगर आप इसको देखिए तो ये इसकी वैल्यू जो थी ये 60 से 65 लाख होनी चाहिए थी, तो 60 से 65 लाख के बजाय ये जो 17 लाख में जो है ये किसी प्राइवेट पार्टी को दे दी गई है। तो बोलने का मतलब ये है, ना केवल ये लॉस है सरकार के लिए, लेकिन साथ के साथ ये जो पैसा आना था, इस पैसे को और डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता था। तो सिंपल सी कहानी है कि एक चौथाई जो एक्चुअल वैल्यू है इन प्रॉपर्टीज की, उसके ऊपर इनको दे दिया गया है। अब विपक्ष क्या करेगा सर? अगर इस ढंग से हिमाचल की प्रॉपर्टियां बेची जाएंगी, होटल बेचे जाएंगे, संपत्तियां बेची जाएंगी, इनका जबरदस्त विरोध होगा। और जो संपत्तियां खरीद रहे हैं उनको भी हम कह देना चाहते हैं, 6 महीने के बाद सारी संपत्तियों के जो बेचने के ये आदेश जारी होने सब निरस्त करेंगे। सर कंपनियों के नाम, एक कोई अर्जिस कंपनी है, दूसरी कोई महिंद्रा है। अब आप बताएं कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टियां 1% भी नहीं बनता है जिस पे दे रहे हैं ये 0.75% तो वैल्यू की भी नहीं बनती है, उससे भी नीचे पे जो है इन्होंने प्राइवेट पार्टियों को दे दी। इंटरेस्ट मिला के अगर आप देखिए तकरीबन 100 से 125 साल लगेगा अपना पैसा रिकवर करने के लिए। तो ये कौन सा मतलब ये वो नहीं, फिर लोन क्यों लेने, काहे के लिए एडीबी के लोन ले रहे हैं? अगर तो चलाने थे सरकार ने तब कर्जे लेते, ना हिमाचलियों को रोजगार मिलेगा, ना ही संपत्ति की ये जिस तरीके से बनाई गई, जिस काम के लिए बनाई गई, ये सरकार के लिए बनाई गई, विभाग के लिए बनाई गई, बड़ी हद इसको टूरिज्म कॉर्पोरेशन चलाता, ये कर क्या रहे हैं कि अंदर खाते एकाएक अभी संपत्तियां बनके भी तैयार नहीं हुई पूरी जब तक इन्होंने